प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड के हाई स्कूल का प्रोच का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी टाइटल है अ लेटर टू गॉड। इसके राइटर हैं जी एल फंटीस। इस पाठ में उन्होंने ईश्वर के प्रति आस्था जो होती है, उस आस्था को उन्होंने व्यक्त किया है, दर्शाया है कि आस्था क्या होती है। इसमें एक किसान होता है जिसका नाम है लेंचो, और लेंचो की फसल जो है पूरी तरह बर्बाद हो जाती है, और उसको कहीं कोई मदद की कहीं उसे किरण नहीं दिखाई देती है, उम्मीद नहीं दिखाई देती है, इसलिए वो अपना ध्यान ईश्वर की तरफ करता है और वह ईश्वर को नाम पत्र लिखता है, जिसकी टाइटल ही है अ लेटर टू गॉड। अब कहानी को हम लोग विस्तार से देखें। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस माने वह घर जो इन द एंटायर वैली, एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण वैली माने घाटी, जो जो पूरी घाटी में ओनली ओनली माने अकेला था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वह निचली पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। सैट का मतलब होता है स्थित। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स। इस ऊंचाई से कोई भी कुड सी देख सकता था, द रिवर माने नदी को देख सकता था एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और फूलों और पके अनाज से भरे खेतों को देख सकता था। दैट ऑलवेज, जो खेत हमेशा प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट जो खेत हमेशा अच्छी फसल देने का वादा करता था, अर्थात उस खेत में हमेशा अच्छी फसल हुआ करती थी। द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन पोर आर एट लीस्ट अ सावर। द ओनली थिंग माने केवल एक ही चीज, द अर्थ नीडेड उस धरती को केवल एक ही चीज की जरूरत थी। नीडेड माने आवश्यकता थी, जरूरत थी, और दैट वाज अ डाउन पोर, वह चीज थी डाउन पोर। डाउन पोर का मतलब होता है भारी बारिश, आर एट लीस्ट अ सावर, या एट लीस्ट माने कम से कम एक सावर की जरूरत थी। सावर का मतलब होता है हल्की बारिश या बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग माने सुबह के समय, लेंचो लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत ही इंटीमेटली माने घनिष्ठता से, नजदीकी से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ वेस्ट। उसने क्या किया, हैड डन नथिंग, उसने कोई भी काम नहीं किया, बट सीन इन द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम के दिशा में देखने के सिवाय। देखो, कहते हैं कि वो किसान जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह इंटीमेटली माने अच्छी तरह से जानता था, वह जो है उत्तर पूर्व के दिशा में, उत्तर पूर्व के दिशा में देखने के सिवाय कोई भी काम नहीं किया सुबह के समय। और जब देख करके आया तो बोला, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट अप सम गेट अप गेट अप गेट सम वाटर ओमेन। और आया और अपनी ओमेन यानी अपनी पत्नी से बोला कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू सम वाटर, अब हमें पानी मिलने जा रहा है। ओमेन माने हे पत्नी, अपने पत्नी से कहता है कि हे पत्नी, अब हमें पानी मिलने वाला है।
द ओमेन उसकी पत्नी हु वाज प्रिपेयरिंग सपर जो शाम को खाना तैयार कर रही थी, सपर का मतलब होता है शाम का भोजन, रिप्लाइड जवाब दी, यस हाँ, गॉड गॉड्स विलिंग हाँ प्रभु की मर्जी, गॉड्स विलिंग का मतलब हो गया ईश्वर की कृपा या ईश्वर की मर्जी, जैसी ईश्वर की मर्जी हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे जो थे वह घर के पास खेल रहे थे, अनटिल द ओमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तभी उनकी माँ ने उनको बुलाया और कहा कि कम फॉर डिनर, आओ आकर खा लो, बच्चों को बोला उसने कि कम फॉर डिनर, आकर के खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डे मील डाइट जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, इट वॉज ड्यूरिंग द मील डे मील खाना का समय चल रहा था, माने सभी लोग खाना खा रहे थे, जस्ट एज जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था उसके अनुसार, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल पड़ने लगी, बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी अर्थात जोर से बारिश होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्व की दिशा में ह्यूज माउंटेन्स माने विशाल पहाड़ ऑफ क्लाउड्स बादल के कुड बी सीन अप्रोचिंग आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश हवा फ्रेश थी ठंडी थी एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन माने वह किसान लेंचो, वेंट आउट माने बाहर गया हुआ था, फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य काम से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो माने वह लेंचो किसान जो बाहर किसी दूसरे काम से नहीं गया था, बल्कि वह जो है अपने शरीर पर बारिश का आनंद लेने के लिए गया हुआ था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह वापस लौट कर आया, तो ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने आश्चर्यचकित होकर बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदे नहीं हैं जो फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रहे हैं, जो आकाश से गिर रहे हैं ये बारिश की बूंदे नहीं हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, बल्कि ये क्या है, नए नए जो है क्वाइंस हैं, क्वाइंस का मतलब होता है सिक्के मोहर, बल्कि ये क्या है, ये सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वह 10 सेंट की हैं, सेंट पीसेज, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो जो है लिटिल वंस आर 5, वो 5 सेंट के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. With a satisfied का मतलब होता है संतुष्ट, expression माने भाव, माने जिस संतुष्ट भाव से he regarded the field of ripe corn, वह अपने पके अनाज वाले खेत को फूलों वाला माने फूलों से भरे अपने अनाज वाले खेत को जिस भाव से जिस संतुष्ट भाव से वह संतुष्ट भाव से जिसको रिकॉर्ड करता था मानता था समझता था, वही खेत क्या हुआ, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, वह बारिश के पानी के पर्दे से ड्रैप्ड हो गया, मतलब ढक गया। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रांग विंड बिगिन टू ब्लो, अचानक एक जो है
स्ट्रांग विंड माने एक तेज वायु बहना शुरू हुआ एंड अलोंग विद दैट रेन और उस बारिश के साथ ही साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल और उस बारिश के साथ साथ लार्ज वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन्स माने ओले या पत्थर पड़ने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेम्बल्स न्यू सिल्वर क्वाइंस ये सिक्के सचमुच में चांदी के सिक्के की तरह लगते थे। रिजेम्बल का मतलब होता है के समान लगना। द बॉयज और वे बच्चे एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन जो बारिश में जो एक्सपोजिंग करने गए थे अर्थात नंगे होकर नहा रहे थे रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पॉल्स उन जमी हुई मोतियों को वो बटोरने के लिए दौड़ पड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन वह किसान जो है आश्चर्यचकित होकर बोला कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ अब जो है सचमुच में अब बहुत बैड हो रहा है यानी कि बहुत बुरा हो रहा है। आई होप फिर भी मैं आशा करता हूं कि इट पासेज क्विकली या शीघ्र ही जो है पास हो जाएगा मतलब ये समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर एक घंटे तक द हेल रेंड ऑन द हाउस एक घंटे तक ओला रेंड माने पड़ा ऑन द हाउस माने घर के ऊपर पड़ा द गार्डन बागीचे में पड़ा द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्रों में भी पड़ा कार्नफील्ड अनाज वाले खेत में पड़ा ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में भी वो सार ओला पड़ा। द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ और वह खेत जो है ऐसे सफेद हो गया एज इफ मानो कि कवर्ड विथ साल्ट कि वह नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज वृक्षों पर एक भी पत्ते नहीं बचे। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड फसल अनाज टोटली माने पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड माने बर्बाद हो गया अनाज पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स पौधों में जो फूल लगे थे वो भी जो है झड़ गए। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस लेंचो का मन दुख से भर गया। वेन द स्टार्म हैड पास्ड जब तूफान समाप्त हुआ तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड तो वह खेत के बीच में खड़ा हो गया एंड सेड टू हिज सन्स और अपने पुत्रों से बोला। अब इसके बाद आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।